वैसे तो डायनासोर धरती से करोड़ों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, और उनका धरती से विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण धरती से एक बड़े एस्टेरॉयड का टकराना माना जाता है। और वो एस्टेरॉयड इतना बड़ा था जिसने धरती का 90% जीवन बिल्कुल खत्म कर दिया था। इस एस्टेरॉयड के धरती पर गिरने से आग की लपटें हजारों किलोमीटर दूर तक फैल गई थी, और रेडिएशन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, जिसमें जीवन का रह पाना बहुत मुश्किल सा हो गया था। और इस घटना के कारण बचा कुचा जीवन समुद्र में ही था, क्योंकि समुद्र में धरती पर गिरे हुए एस्टेरॉयड का प्रभाव काफ़ी कम था, जिस कारण समुद्रों के अंदर थोड़ा बहुत जीवन सुरक्षित था। दोस्तों, उस समय धरती पर डायनासोर्स के अलावा भी कई ऐसे अनोखे जीव पाए जाते थे जो भी इस बड़ी प्राकृतिक आपदा का शिकार बन गए थे। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर डायनासोर फिर से धरती पर लौट आए तो इससे धरती के जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिलहाल ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि किसी तरह डायनासोर फिर से धरती पर जीवित हो जाते हैं तो वो हमारे लिए मुसीबत बनेंगे या फिर नहीं। अगर डायनासोर की बात करें तो ज़्यादातर डायनासोर शाकाहारी थे, और डायनासोर की कुछ प्रजातियां ही मांसाहारी थी जो कि दूसरे जानवरों का शिकार किया करती थी। और अगर डायनासोर धरती पर होते तो डायनासोर की मांस खाने वाली प्रजातियां हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा थी, और हम इंसान हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए उन सभी डायनासोर की प्रजातियों को मार गिराते जो मांसाहारी थी और हमारे लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन जो ज़्यादातर प्रजातियाँ शाकाहारी थी, क्या वो हमारे लिए खतरा बन पाती है या फिर नहीं, ये भी एक काफ़ी बड़ा सवाल है। जो डायनासोर की शाकाहारी प्रजातियां थी वो भी हमारे लिए एक खतरा बन सकती थी, क्योंकि डायनासोर्स काफ़ी बड़े होते थे और उन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती थी, और उनके भोजन में ज़्यादातर बड़े पेड़ पौधे शामिल थे, जिस कारण उनकी बड़ी आबादी के कारण जल्द ही धरती से पूरे पेड़ पौधे विलुप्त हो जाते, और इससे इंसानों को ही नहीं बल्कि दूसरे जंगली जानवरों को भी काफ़ी नुकसान होता, क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास छिन जाते, और इससे धरती पर काफ़ी सूखा पड़ने लगता जिससे धरती के ज़्यादातर हिस्से बंजर और रेगिस्तानों में बदल जाते, और धरती पर जीवन दिन ब दिन कम होता जाता, क्योंकि भोजन और पानी के अभाव में किसी भी जीव का जी पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इंसानों के रहते ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान धरती के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक है, और हमें इस चीज़ का पहले ही आभास हो जाता, और शायद इंसान धरती से उन डायनासोर्स का भी अंत कर देते जो कि हमारे लिए खतरा कभी नहीं थे, लेकिन उनकी वजह से प्रकृति को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। तो दोस्तों, इन बातों से साफ होता है कि डायनासोर अगर धरती पर होते तो वो हमारे लिए एक काफ़ी बड़ी मुसीबत थे, चाहे वो शाकाहारी थे या फिर मांसाहारी। इसलिए प्रकृति जो कुछ करती है वो उसके नियमों के अनुसार ही होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।